आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का एपिसोड Yes, I'm just doing my introduction. Give me a minute, yeah? Anyway, आज का शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के एपिसोड भाई अरे बाबा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, I'm doing my introduction. A big star is coming here. Nonsense. Anyway, क्योंकि आज ये आने वाले है एक ऐसा स्टार जिसका दिल उसके कद से भी बहुत बड़ा है, जिसकी जादू की झप्पियां हम सबकी आंखों को नम करती है. लेडीज एंड जेंटलमैन अच्छा बोलो ओ अरे मामू अपू इधर ही बैठा है. अरे लेडीज एंड जेंटलमैन संजय दत्त. कूल स्टार्स हैं, बहुत से डूड स्टार्स हैं, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं यहां कि ये आइकॉनिक डूड कूल स्टार हैं, इंडस्ट्री के भारत के सबसे कूल सुपरस्टार है संजय दत्त. लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंट्री हैज लव्ड यू, कंटिन्यूज टू लव यू. कैसा लगता है जब इतना सारा प्यार आपकी तरफ आता रहता है? करण, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीलिंग्स. बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है. और आई थिंक हिंदुस्तान के हर कोने में मैं गया हूँ और सिर्फ प्यार मैंने देखा है मेरे लिए. आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस एंड एवरीबॉडी फॉर लविंग मी. थैंक यू. आपकी जो जिंदगी है उस पर एक दिन आप ना लिखे तो कोई ना कोई तो जरूर एक किताब लिखेगा, क्योंकि यू हैव द क्विंटेसेंशियल लाइफ ऑफ अ सुपरस्टार. अप्स डाउन इतना सब कुछ हुआ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. कभी आपने एक पल के लिए सोचा है कि इतना कुछ गुजर चुका है आपकी जिंदगी में? क्या लगता है आपको आज? करण, जो बुक के बारे में आपने कहा है, मैं आपने पहले भी मुझे ये कहा कि एक बुक लिखना चाहिए और मैं बिल्कुल वो बुक लिखूंगा. कुछ डिटेल्स शायद आप ना लिखें उस बुक में. कुछ चीजें सिर्फ आपको काफी डिटेल्स. और यही कहना चाहता हूँ कि आई हैव नॉट बिकम अ बिटर पर्सन, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन. लॉट ऑफ पेशेंस आ जाता है और आई थिंक प्रॉब्लम को आपको फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए कभी. जी, कभी कभी रात को जब आप सोते हुए झलकियाँ आती हैं अभी अभी रात को? बिल्कुल आती हैं. कभी कभी उठ जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं जेल के सेल में बंद हूँ. दत्त साहब की याद आती है, कभी मम्मी की याद आती है. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो फिर मैं कभी वापस जेल नहीं जाऊँ. और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर वही प्यार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ माय कंट्री दैट आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम अ फ्री मैन. दैट इज ट्रू. और आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, यू गॉन इन टू शेप और बहुत खुश लग रहे हैं. तो इज इट गॉट टू डू विथ योर न्यू वाइफ संजू? इज आर यू हैप्पी इन योर पर्सनल स्पेस? आई एम वेरी वेरी हैप्पी करण, एंड आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक शी इज गॉट अ लॉट टू डू विद इट. एक जो मैं जिप्सी की ज़िंदगी गुजार रहा था जी, आई थिंक अब एक घर मिल गया, एक कोई अपना मिल गया है, वो आई कैन गो बैक होम टू. तो आपकी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही अभी? आप बहुत खुश हैं इन योर मैरिज? एक्टिविटीज़ अभी 50 साल का हो गया हूँ. वो फर्क नहीं पड़ता संजू, दैट नेवर स्टॉप्स एनीबॉडी. व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ चॉइस? माइन इज़ लखनऊ. लखनऊ? लखनऊ क्यों संजू? क्योंकि पार्टीशन के बाद जब मेरे डैडी हिंदुस्तान आए थे, द फर्स्ट प्लेस ही वेंट टू वॉज लखनऊ. लखनऊ और एक जगह है वहाँ अमीनाबाग करके जी, जहाँ वो रहे थे. एंड उन्होंने पनाह लिया था एक मुस्लिम फैमिली में और दो साल वो वहाँ रहे, दो साल उन्होंने वहाँ काम किया और फिर बॉम्बे आए. और वक्त के बाद जब पिक्चर बनी थी जी जी, वो फिर वापस गए वहाँ अमीनाबाद और वो फैमिली से मिले. मैं भी उन वो फैमिली मेंबर्स से मिला हूँ. कैसा लगा व्हेन यू हैड टू मीट देम ऑल? अनबिलीवेबल. जहाँ वो गली में मैं गया जहाँ दत्त साहब रहते थे, एक छोटा सा कमरा था, वैसे ही है, एक पलंग पड़ा है वहाँ पे और ही यूज्ड टू स्टे देयर. इट्स अनबिलीवेबल. तो इसलिए लखनऊ मैंने चुना. चलिए देखते हैं लखनऊ की कुछ झलकियाँ.
संजय दत्त 18 फरवरी को सुबह 9 बजे हमारे यहाँ आए थे। उनकी बीवी को मुंह दिखाई दिया, बातचीत हम लोगों के बहुत क्लोज में बातचीत हुई और सारे उनके पापा के फोटो दिखाई, नानी की फोटो दिखाई, संजय दत्त की मम्मी की फोटो दिखाई, सब उन्होंने देखे। उन्होंने संजय दत्त रो दिए थे। आने वाले दिनों के लिए भैया वो अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, दिल लगा कर काम करते रहें, हमको याद करते रहें। वो रखे उठा एक, हम उनकी फूफी हैं। मिले आप इनसे? हाँ, मैं इनसे मिला जाके और पूरी फैमिली से मिला हूँ और ऐसा ही लगा कि मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ। इट वॉज अनबिलीवेबल। और सारी यादें हैं उनके पास? बिल्कुल, आपके पिताजी के, सब है, आपकी मम्मी के। हाँ हाँ, इट्स फैंटास्टिक व्हेन यू वेंट डाउन। और लखनऊ की ऑफ कोर्स खास बात, अपार्ट फ्रॉम द इमोशनल अटैचमेंट यू हैव, वहाँ का सब कहते हैं वहाँ का खाना तो बिल्कुल उंदा है, चाट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। Well, another very popular activity is पतंगबाजी। लखनऊ में बहुत फेमस है। मैं हूँ इस देश के सबसे बड़े स्टार का सबसे बड़ा फैन, नचिकेत। संजय दत्त जी को इतना लाइक करता हूँ मैं, उनको जो पसंद आया वैसा मैंने एक मेरा प्रेजेंटेशन बनाया। ये शो नहीं है मेरे लिए मेरे दोस्त, ये तो मेरे लिए मेरा एक सपना है, मेरा ड्रीम है, जो ड्रीम कम ट्रू है। मेरा नाम है अजय सूद, मैं 19 साल का हूँ, मेरा शहर है होशियारपुर। संजू संजू बाबा की क्या बॉडी है बाप, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहता हूँ। ए संजू बाबा आ रहे अपन। मेरा नाम शैलेश ब्रह्मभट है और मेरा फेवरेट सुपरस्टार है संजू बाबा। आपका गाना सिर्फ आपके लिए। मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, कोई दूसरा नहीं, बस मेरे को संजय दत्त साहब की आवाज़ है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ और मेरा घर चलाता हूँ। ए मामू अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? इसे ना ट्रिगर कहते, ट्रिगर, ये इधर उंगली डाली और तान दिया जिसपे तानने का है। ये हैं आपके तीन टॉप फैंस, भारतवर्ष में हमने ढूंढा है आपके तीन टॉप फैंस को, लेकिन आपके तो हजारों फैंस हैं, सैकड़ों फैंस हैं। ऐसे कोई पागल फैन आप जानते जो आपको फॉलो कर रहे हैं या दे बीन ट्रैकिंग यू फॉर सेंचुरीज एंड इयर्स, एनी क्रेजी फैन स्टोरीज? हाँ, एक था एक्चुअली करण, आई वाज शूटिंग इन बीकानेर, तो वो पैलेस के बाहर शूटिंग थी और एकदम से आवाज़ें आने लग गई और ऐसा लग रहा था कि कोई झगड़ा हो रहा है। तो एक फ़ैन था मेरा जिसने मेरा नाम कांच से अपनी छाती पे लिखा हुआ था और उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो जितनी भी बोतलें थी सब उसने अपने सर पे तोड़ दी। तो फिर मैंने उसको भेजा, उसे बुलाया, बिठाया, मैंने बात की, मैंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा फ़ैन मैंने कभी देखा नहीं। कितने साल हो गए आपकी इंडस्ट्री में? 30 साल हो गए। 30 साल, तो ऑफ कोर्स बिगनिंग ऑफ द करियर, तो यू मस्ट हैव हैड सम क्रेजी वुमेन फॉलोइंग यू इन स्टॉकिंग ऑल ओवर द प्लेस। या दोस गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज ओनली संजू, नॉट नाउ। ऐसे कोई मैरिज प्रपोजल्स मिले होंगे आपको कि लड़कियां जो आपसे आप पे फिदा हैं, शादी करना चाहती हैं आपसे? करना एक्चुअली इन उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था, इन द लेट 70s, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जी उस टाइम थोड़ा एक देयर वाज अ पीपल वर शाय, एक अलग किस्म का माहौल हुआ। यू वर नॉट शाय? I tried not to be. ये शो है लिफ्ट करा दे, जहाँ हम आपके जरिए किसी एक जिंदगी की लिफ्ट हो जाती है आपकी वजह से, आपके माध्यम से। ऐसा कोई शख्स है, कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आपकी जिंदगी लिफ्ट हो गई थी? आई थिंक माई फादर डिड एवरीथिंग टू राइज माई लाइफ। आई मीन ही वॉज आईकॉन, आई मीन ही वॉज समबडी जो सत्य के राह पे चले हैं जी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ मम्मी का कैंसर हो या माई फर्स्ट वाइफ डाइड ऑफ कैंसर और माई जेल टर्म और माई ड्रग्स, यू नो ही इज ऑलवेज बॉट मी आउट ऑफ दैट, ऑलवेज ऑलवेज बॉट मी आउट, ऑलवेज बीन अ सपोर्ट, ऑलवेज बीन देयर, एंड आई डू मिस हिम टुडे व्हेन ही इज नॉट देयर, यू नो, बिकॉज आई मीन, बट लेकिन यू नो व्हाट ऑल ही टॉट अस हैज कैरीड मी ऑन एंड इट विल कैरी मी ऑन इन लाइफ। तो उनके जो सिखाए हुए रास्ते पर आप चलते हैं? बिल्कुल, कोशिश करता हूँ। संजू एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत पेन और प्रॉब्लम्स का डट के सामना किया है। इनकी जिंदगी से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए फैंस इन्हें बहुत प्यार करते हैं।
आज हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑडियंसेस हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. Our very own Munna Bhai is here to sort your problems out with his Gandhigiri and his words of wisdom, as we rightfully discussed right now. All his learnings from his father will help some of you in the audience. So let's start with Mariam Sheikh. Hi Sanjay. Hi. I'm very biggest fan for your. मेरा नाम मरियम कासिम शेख है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं. बट मेरी ननंद जो है वो हर समय मेरी सास ससुर के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है. जैसे मेरे खाना बनाने को लेके, मेरी बात करने को लेके, या फिर मेरे कपड़े पहनने के तरीकों को लेके. तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. क्या आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ? टेंशन नहीं लेने का. अगर वो कुछ बोलते रहते हैं आपको तो आपको भी गांधीगिरी करनी चाहिए. जितनी गालियाँ वो देंगी उतना आपको थैंक यू बोलना चाहिए. वो अपने आप चुप हो जाएंगे. Kill with kindness. जो भी कहे मुस्कुराइए, हंसिए, क्या पता कल हो ना हो. स्वीटी सर, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के बिहाफ में आई हूँ. उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी करता है और वो दोनों काफ़ी खुश है. पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी छोटी सी है कि जब भी वो दोनों बाहर जाते हैं उसका बॉयफ्रेंड किसी ना किसी लड़की को घूरते रहता है. ये ज़रूर संजू आपको एडवाइस देंगे, इस गली से गुजर चुके हैं. लेकिन बॉयफ्रेंड कुछ गलत तो नहीं कर रहे. मैम मेरी एडवाइस ये है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को देखे तो जो लड़की है उनको वो लड़की की तारीफ करनी चाहिए, उसकी ड्रेस की तारीफ करनी चाहिए. बोले कि शी सो प्रिटी यार, बहुत खूबसूरत लड़की है, क्या चाल है. आई थिंक वो अपने आप बंद हो जाएंगे. थैंक यू सर. हाँ, और जैसे संजू ने फरमाया कि घूरने में क्या जाता है यार, क्या कुछ फर्क ही घूरी तो रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा. अजय नामदेव. हाय संजू बाबा. हाय अजय. मेरे को एक प्रॉब्लम है अपने पड़ोसी लोग से. वो क्या पानी बहुत वेस्टेज करते हैं. आजकल पानी का इतना प्रॉब्लम है फिर भी इतना वेस्टेज करते हैं. दिन में करीबन 2 से 3 बार उनके घर का गाड़ी धुलता है. बालकनी भी हफ्ते में 3-4 बार धोते हैं और उनके बाथरूम का भी ओवरफ्लो हमेशा होते रहता है. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप ऐसा कीजिए, आप भी पानी वानी से उसकी गाड़ी वाड़ी धोइए, ये सब कीजिए. उसको बोलिए कि यार अपने घर में पानी नहीं है, तेरे घर में आके नहा लूँ क्या? देखो बंद हो जाएगा. बहुत डैशिंग है, बहुत स्टाइलिश है आप. यू आर कंसीडर्ड सेक्सी बाय द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. वाओ. बट हु डज संजय दत्त फाइंड सेक्सी टुडे? करीना इज रियली हॉट. शी इज नाइस. एग्रीड. एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट, यू कैन चूज. या दीपिका, कटरीना. दीपिका कटरीना, यस. ऑल नेम्स, दीस आर द. सबके नाम ले लिया आपने. हां. एंड द यंग बॉयज विद पोटेंशियल, who do you think Sanju today? Abhishek. Abhishek is your buddy also. He's like your... like my little brother. Your protege. Ranbir. Yeah. The potential hai. Unme aapko lagta hai ki of being a mega, mega star. Oh, 100%. Yeah, 100%. Yeah. Sanju, another thing that because this is a heartfelt, emotional, charity-based show, hum sab jante hai ki aap bahut charities karte hai, lekin chup-chap karte hai. Main dekhe, main agar charity karta hoon, toh publicity ke liye nahi karta. Ji. There's a NGO called Support. Ji. And I'm affiliated with that one. That wo NGO, you know, I want to do a lot for that particular NGO because bachche jo drugs pe hote hain, ji, unko rehabilitate karna and reintroduce karna, it's a very very good thought. Aur us gali se bhi aap guzar chuke hain, so you understand. I understand how it can destroy your life completely. Yes. And fantastic. Sanjay Dutt's life is an open book that we know. Ye seedhe apne dil se operate karte hain, isliye shayad inke fans inko tahe dil se chahte hain. Well, इन सब फैंस को तो हम यहाँ नहीं ला सकते, मगर एक है जिसकी आवाज हम यहाँ संजय दत्त तक जरूर पहुंचा सकते हैं, रचित. Let's have a listen. Hi, this is रचित. संजू बाबा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपकी फिल्म मुन्ना भाई का बहुत बड़ा दीवाना भी हूँ. आपके चलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया. अच्छा, क्या आप मेरे लिए वास्तव फिल्म का 50 तोला वाला डायलॉग बोलेंगे क्या? आई जस्ट होप यू डू गुड इन लाइफ एंड डू वेरी वेल. ऑल द बेस्ट, बाय. वास्तव का डायलॉग था, ए माँ ये क्या देख रही लिए टुकुर टुकुर, हाँ ये देख रही लिए क्या, ये देख कितने का है, 50 तोला. कितना? 50 तोला. और एक बात देख,
ये देख इसको बोलते हैं घोड़ा, इसको बोलते हैं मैगजीन, इसको डाला इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इसको ताना जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। It was an award-winning performance in Vastav and Sanju was absolutely amazing. Akhil Jain. Hello, Sanjay Dada. Mera ek friend hai, wo mujhse paise mangta hai aur baad mein paise wapis deta nahi hai. To aap bataiye ab main kya kar sakta hu? Tum meri tarah hi ho yaar. Main bhi paise deta hu, kabhi wapas nahi aate. Kya hua tha ek time ke aise hi ek mera dost tha, acha tha. वो जब भी देखो तो 500 दे, 1000 दे, वापस देता ही नहीं था। तो मैंने एक दिन क्या बोला, मैंने बोला ये ले मेरी घड़ी और ये ले मेरा जूता। मैं पैंट भी उतारने वाला था, बोलता है नहीं यार और नहीं चाहिए। बोल ये बेच दे, मेरे पास पैसा नहीं है, बेच के तू ले ले। सर कभी मेरे घड़ी वापस नहीं दिया तो देने का कान के नीचे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Eventually, when all else fails, to dene ka kaan ke niche. That is the best advice I've heard. Karan Nina. Hello, sir. My problem is that I travel by bus daily. There is this boy who knows my routine and he gets on the same bus as me. I always catch him staring at me. And I really don't know what to do. So, any solution for that? Is he cute? not really. Okay, then you have... Over to you. Well, I mean, I don't blame him if he stares at you. No, but next time you go in the bus, you know what, you should keep your seat empty next to you. Oh. And you should tell him, you come here, come sit next to me, come. And then all your friends, you know, you should call all your friends and say, okay, meet my brother. The best advice you could have ever got, darling. Karanina, you're rocking. Raju Kansara. Good evening, Sanju Baba. Good evening. Chota sa problem hai. Haan. My wife. Bada problem. Aisa toh bahut achhi hai. My wife? My wife is a big problem then, immediately. 10 saal se mein shaadi hui hai. Main ghar mein rahun toh bhi khosti hai. Na rahun toh bhi khosti hai. Aurat ka dil jeetne ko kya karu? Phir se shaadi kar lo. Sanju will give you that advice. Yaar, ये इसके बारे में मैं एडवाइस नहीं दे सकता, आप मुझे एडवाइस दीजिए मैं क्या करूं। मेरे हिसाब से जादू की झप्पी ट्राई करना। ओके।